फड़ वासने वाला होता है वो। मजे राम 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 राम। और इधर नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वाली वीडियो काफ़ी अच्छी थी, ये वाली वीडियो से भी शानदार होने वाली, क्योंकि आज हम आए भगवान देवनारायण के गांव देवमाड़ी गांव। वीडियो को लाइक कर देना और चलिए अभी हम घुमाते हैं आपको मंदिर, और आप भी हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अभी हम मंदिर के ऊपर की ओर चल रहे हैं और हमारे साथ है रोहन। तो आप पहली बार आए हो या पहले जा चुके हो रोहन? देवमाड़ी मंदिर में पहली बार आया। अच्छा, इस मंदिर में तो ये टोपा लगा के बहुत कड़ाके ठंड का मुकाबला करके आए हम। ठंड का मुकाबला बहुत सारा सामान, ये देखो ये देखो और ये देखो, ये इतना सामान लेके आता है ये पूरी व्यवस्था करके। तो इन चट्टानों के बारे में क्या कहना चाहोगे यार? ये जो चीज बहुत सबसे मस्त मेरे को ये लगता है, मैं खुद भी गांव का हूँ। अच्छा, इनसे मुझे भी बहुत प्यार है और अपने भाई। अच्छा, ये जो मंदिर है भोना जी का मंदिर है, भोना जी जो कि भगवान देवनारायण जी के भाई थे, और ये बगड़ावतों के कवि नारद अवतार श्री छोटू भाट जी, बहुत शानदार कलाकृति देखी छोटू भाट जी, ऐसे लग रहे हैं साक्षात बैठे हैं। पहाड़ की वादी मंदिर है राजू भाई, कहाँ जा रहे अपन? अभी अपन चल रहे हैं भोना जी महाराज का जो प्राचीन मंदिर है उस मंदिर की तरफ अभी चल रहे हैं। इसके बाद चलेंगे अपन भगवान देवनारायण जी के मंदिर। तो क्या ये गुफा है? अभी मुझे भी मालूम नहीं है दोस्त, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये भगवान देवनारायण जी है के जो छोटे भाई हैं भोना जी महाराज, ये वो है बहुत ही शानदार जो मंदिर है भगवान देवनारायण जी की, को पहले हम सबसे पहले प्रणाम करेंगे। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है अपना, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद सुबह से निकले हुए ठंडी। हेलो गाइस, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत ठंडी भी है तो माइंड ब्लोइंग होने वाली है वीडियो, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो मजा आने वाला है वाकई माइंड ब्लोइंग आने वाला है। सर्दी जबरदस्त पड़ रही है तो चालू करते हैं वीडियो, अभी आगे चलते हैं ठंड के कारण। और बहुत ही शानदार मंदिर पहाड़ियों की वादियों के अंदर ये जो मंदिर है हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे साथ है रोहन जेलिया जो काफ़ी मेहनत मुश्किल करने के बाद हमारे साथ है। और जो दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ जिसके लिए हम आए हैं आज यहाँ पे, वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए नीचे पूरी बस्ती है, पूरा गाँव है, ये पूरा गाँव जो है पूरे कच्चे मकान इसके अंदर बने हुए हैं। ये जो हम आपको दिखाएंगे वीडियो, अगर पसंद आ रहा हो आपको तो अंत तक बने रहना, ऐसी वीडियो बहुत कम होती है। ये भारतवर्ष के अंदर कुछ है कि ऐसे गाँव में जाके अंदर पूरे कच्चे मकान बने हुए, कच्चे मकान वैसे तो गरीबी के कारण बनाते हैं लोग, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, खूब पैसे वाले लोग हैं और मतलब ट्रक वरक नौकरी सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन नहीं ये कच्चा ही कच्चा। आ कौन है जो भाई, पैसों कौन है? पैसा में बसा खरीद ले। सही बात है। एक बार भगवान देवनारायण की बात रखने के लिए आज भी पूरा गांव ये कच्चे मकानों के अंदर ये राजू यार धूप निकल गई, लेकिन ठंड तो उतनी महसूस हो रही है।
भाई साहब ये बहुत शानदार माइंड ब्लोइंग दृश्य। ये जो है ये वन मनुष्य है, इनका नाम लिखा हुआ है। बहुत शानदार शानदार नज़ारा पहाड़ियों की वादियों के अंदर। ऐसा मंदिर बहुत कम मंदिर होते हैं, इतने शानदार मंदिर बने हुए हैं। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत शानदार, जब भगवान श्री देवनारायण जी को दूध पिलाती हुई शेरनी, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ी चढ़ने में थोड़ी असुविधा हो रही है, आप देख पा रहे हो वैसे कैसे चट्टान है, फिर मैं जाऊँगा एक बार आपको दिखाऊंगा। मैं एक बार देखिए गाइस, बहुत शानदार। देख गाइस जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मेरे कैमरे को जूम करके, क्या मकान कच्चे हैं लेकिन घर के अंदर देखो बुलेरो खड़ी है। बहुत ही शानदार नज़ारा है। भाई बाकी चीज़ें कौन सी? वो गेट, वो गेट है, वो एंट्री गेट है ये। अच्छा आप आए जो? हाँ अभी आगे वो सिर सीमेंट, वो आगे सिर सीमेंट। बहुत शानदार नज़ारा। ऊपर की तरफ चलते हैं अभी अपन। चलते तो है लेकिन मेरी एक चीज़ बताओ। हाँ अभी अपन कौन सी जगह पर है? अभी अपन मसूदा, मसूदा के अंदर देवमाली वहाँ आए हैं। और यहाँ अपन क्यों आए आप ये भी सोच रहे हो, हम यहाँ इसलिए आए हैं। पहले आपकी बात काटता हूँ मैं। अगर आपकी तरह मेरी तरह कोई भी यहाँ आना चाहे तो कैसे आवे? कैसे आप? बहुत अच्छा सवाल आपका, यहाँ कैसे आते? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, घर से 150 रुपये लेके निकलना होता है। 150 रुपये से बस स्टैंड से एक टिकट कटाना पड़ता है, वो टिकट मसूदा के लिए कटेगा। मसूदा से यहाँ 3 किलोमीटर दूरी पर ये आराम से यहाँ अच्छी तरीके से आप मतलब 75 रुपये के अंदर अगर बस के अंदर आते हैं आप तो यहाँ पहुँच जाएंगे आप। और गाड़ी के अंदर आते हैं तो लगभग आपको 300 रुपये का पेट्रोल के अंदर आप यहाँ पहुँच सकते हैं अगर आपके पास 2-व्हीलर है। अच्छा तो बहुत शानदार जानकारी मैंने दी, तो मेरे लिए धन्यवाद कह दीजिए आप मेरे को एक बार। नहीं ये लो धन्यवाद। चलो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी गिरने वाले थे लेकिन मंदिर इतना काफी बड़ा बहुत शानदार, हम देखने में इतना व्यस्त हो चुके थे क्योंकि हम मंदिर की जो सीढ़ियाँ वो गिन ही नहीं पाए। तो बहुत ऐसे शानदार शानदार नजारे। लेकिन अपन एक चीज कर सकते हैं। कौन सी? अपन जब अभी उतरेंगे ना हाँ तब काउंट कर सकते हैं। नहीं तो अपन उस साइड से उतरेंगे। हाँ यार चलिए मैं आपको और चीज दिखाता। सबसे बड़ी चीज सीढ़ियाँ भी बहुत सारी है, बड़ी बड़ी चट्टान और चट्टानों पर लिखा हुआ है श्री देव, देव जी, देव जी सूर्य। बहुत शानदार नजर, इतनी बड़ी बड़ी चट्टान है। गाइज अभी अपन पहुंच चुके हैं माता साधु माता के मंदिर के बाहर और यहाँ साधु माता को प्रणाम करके फिर अपन चलेंगे भगवान देवनारायण मंदिर के पास। बहुत ही शानदार नज़ारा। ये माता साधु जो कि है चुनरी उड़ाई भी है, काफ़ी भक्त श्रद्धालु लोग आते हैं, काफ़ी आस्था है वैसे हिंदुओं की सबकी। तो ऐसे शानदार शानदार नज़ारे आप हमारे चैनल पर देखते हैं और देखते रहेंगे, मैं आपको दिखाता रहूँगा बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, बहुत शानदार शानदार वीडियो। देखिए गाइस वही नीचे का पूरा व्यू। और इधर जो कच्चे मकान, तो गाइस राजू भाई ये कच्चे मकान
ये कच्चे मकान बहुत शानदार, काफ़ी शानदार तरीके से पूरा एक गांव बसा हुआ है कच्चे मकानों की ओर। तो आप देखिए एक बार, तो राजू भाई इन कच्चे मकानों में खर्चा तो कम आता होगा यार? खर्चा तो लगभग बराबर ही होता है। कैसे? इसमें केलुओं की जो लकड़ियाँ होती है और भी, वो तो मतलब मेहनत ज़्यादा होती है इसके अंदर, पर भगवान देवनारायण की कृपा ऐसी है कि कितनी भी बारिश आओ बाढ़ हो यहाँ इन मकानों पे कुछ आँच नहीं आती। गाड़ी फोर व्हीलर खड़ी है भाई? गाड़ी फोर व्हीलर, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, बस भगवान की जो क्या बात है उसको रख रखी है लोगों ने, वो इससे दिल काफ़ी खुश होता है कि आज भी जो भगवान की बात को मानते हुए ऐसे जो शानदार शानदार नज़ारे आप देख रहे हो कच्चे मकानों का। अजय भाई अपन देख पा रहे हैं आखिरी मकान शायद वो है, वो देखो वो कौन सा वहाँ पे, वो दो मकान दिख रहा है आपको आगे? हाँ तो वो भी कच्चे ही हैं। वो देखिए आप इतने दूर होते हुए भी कच्चे। और ये बस लास्ट मकान वो है, पूरा गांव कच्चा, बहुत ही शानदार शानदार नज़ारे। ये जो आप देख रहे हो इसको नंगाड़ा कहते हैं, ये जब भगवान देवनाथ की जब पूजा आरती होती है तो इसको बजाया जाता है, बहुत शानदार ये है। और मशीनों के द्वारा नहीं बल्कि हाथों के द्वारा आज भी यहाँ पूजा होती है। कई लोगों को कई जगह पे तो क्या मशीनों की आधुनिक मशीनों है, मशीनों के कारण ढोल नंगाड़े सारे बज जाते हैं, लेकिन आज भी हाथों से जो होती है तो उसको बहुत शानदार होता है। रोहन अभी मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ कुछ वर्ड लिखे हुए हैं कि श्री देव नारायण भगवान की ओर से की का स्थान संतान गांव देवमाली, यहाँ के लिए लिखा हुआ है ये कि चिड़िया चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, मतलब जब चिड़िया होती है वो एक नदी से पानी पीती है, मतलब पानी अपने बच्चों के लिए या कुछ थोड़ा भर के ले जाती तो नदी में पानी कम नहीं होता, उसी प्रकार से लिखा हुआ है दान देने पर धन ना घटे, कहे गए श्री देव नारायण भगवान। मतलब अगर आप यहाँ मंदिर में आ रहे हो दान दे रहे हो तो आपका धन थोड़ी खत्म हो जाएगा, आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये से अगर 10 रुपये चढ़ा रहे हो फिर भी आपके पास 90 रुपये बच रहे हैं ना, तो ये कुछ इस प्रकार से कुछ यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं। हाँ वो बंदे में आस्था का प्रतीक है, ये जो चीजें होती हैं आस्था का प्रतीक है, आस्था अपनी भक्तजन अपनी आस्थाएं लेके आते हैं और भगवान से यहाँ मन्नतें मांगते हैं। तो ये मेरा टोपा दिख रहा है क्या? जी आपका टोपा दिख रहा है। ठंड से बचाओ पहले, पूरी ठंड की पूरी व्यवस्था करके राजू भाई आप
अपन एक चीज का मैसेज दे सकते हैं इस चीज में। कौन सा मैसेज? जैसे कोई भी टीचर्स वगैरह या स्कूल के कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों जो कि बच्चों की पिकनिक होती है स्कूल बच्चों की वो यहाँ लेके आ सकते हैं आराम से। बहुत सारी चीज है यहाँ पे बताने लगी है नहीं। बिल्कुल सर। जो भी प्रसाद लेके आते हैं प्रसाद को यहाँ चढ़ाते हैं फिर ऊपर की तरफ भगवान के सबके दर्शन करते हैं। और ये देखिए वैसे एक नंगड़ा हो राम राम साहब। राम राम साहब कटवाया साहब थे अजमेर हो। अच्छा अजमेर हो है, मैं भी अजमेर हो आएगा। अच्छा अजमेर खाजपुर हो। अच्छा अजमेर खाजपुर हो, भगवान का दर्शन करवाया हो? दर्शन करवाया। अच्छा आते रहो या पहली बार आया? नहीं दो बार ही आ गया। अच्छा दो बार आ गया। अच्छा बहुत शानदार। अब बस हुए प्रसन्न साथ ही प्रसन्न गाड़ी ले रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। राम 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 what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded.
silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Then will you get bored? ये बहुत शानदार बात बता रहे हैं भगवान की कृपा से। हाँ मिला भाई हमको चांदी का सिक्का मिला चांदी का सिक्का हाँ मिला मिला। अच्छा ये चांदी का सिक्का देखो यहाँ आने से कुछ ऐसा नहीं कि यार सुख संपत्ति सब मिल जाए। मिला भाई हमारी बहू को बुला ना हमारा ही घर में है। हमारा है बहुत शानदार है। शानदार है बहुत अच्छी बात है। जिसलिए मैं पाता हम भी आए हैं। अच्छा भी हम भी आए भाई बाबा का दर्शन करके आएंगे। मना पूरी करी तो और भी करेगा हमारी देव नारायण की सेवा करा हम कोई नहीं देव नारायण की सेवा करा हम भी। किसे गाँव में कोई नहीं आया यहाँ से सोनमपुर। अच्छा सोनमपुर आए थे। अच्छा बोला भाई तो गाइस देख पा रहे हो बहुत सारी चीज़ जो कि हमारे लिए भी नहीं है शायद आप लोग के लिए भी नहीं होगी। वो सारी जानकारी हम इस चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये जो जगह है यहाँ पे नारियल को जो बदार के फिर यहाँ पे जब मेला वाला लगता है तो ये जो हवन कुंड कहते हैं इसको तो यहाँ पे एक हवन होता है। बहुत शानदार नज़ारा। आपने भगवान देवनारायण जी का मंदिर देखा इसमें कमल फूल अवतार से साधु माता जी व हीरा माता जी का भी मंदिर भी हमने आपको पूरा दृश्य दिखाया बहुत शानदार। और दूसरी ओर अभी हम आपको ये गाँव दिखाएंगे तो वीडियो में बने रहे। तो गाइस अभी हमने एक गलती वापस कर दी हमने सीढ़ियाँ फिर भी नहीं गनी। सीढ़ियाँ नहीं गिनी गाइस नहीं। अरे तू क्या बोल रहा है सीढ़ियाँ नहीं गनी गनी होता गिनी नहीं होता। मावड़ी भाषा में जो मज़ा है ना भाई वो अपने सिलेंडर भाषा बोलते रहते ना हमेशा जो मज़ा मावड़ी भाषा में है ना वो मज़ा कहीं नहीं। एक बार क्या हुआ भगवान देवनारायण के मंदिर जो कि देवमाली के अंदर स्थित है बहुत शानदार। मैं चाहूँगा एक बार बिल्कुल आप आए यहाँ पे और आने के बाद आप जो यहाँ महसूस करेंगे वाकई में आने का आपका बिल्कुल जो सारा शुरू हुआ समय वो बहुत महत्वपूर्ण समय आप निकाल के आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ आने के बाद हमें भी काफ़ी अच्छा लगा है। हम काफ़ी समय से प्लान बना रहे थे यहाँ आने का लेकिन आज करीब एक महीने बाद हमारा यहाँ आने का प्लान बना। अब मैं इसके लिए राजस्थान ब्लॉगर केडी नाम से यूट्यूब चैनल है हमारे जो सर है कैलाश जी चारण उनका नाम है मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें इसके लिए गाइड किया। तो थैंक यू सो मच कैलाश जी चारण राजस्थान ब्लॉगर केडी। तो मिलते हैं गाइस एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बने रहे हमारे चैनल पर। चैनल का नाम है इंडियन लाइफ कैप्चर। तो मिलते हैं गाइस एक अमेजिंग वीडियो से।